Okay then. So today's topic that we are going to discuss is about the problems of control process. तो ये टॉपिक हमारा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से है, एमसीओ 23 सेकेंड सेमेस्टर. काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. कंट्रोल सिस्टम का क्या प्रॉब्लम्स होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो कंट्रोल सिस्टम सबसे पहले क्या है? सो कंट्रोल सिस्टम अ काइंड ऑफ सिस्टम आप बोल सकती हैं जहाँ पे स्ट्रैटेजी को इवेल्युएट किया जाता है या उसको मैनेज किया जाता है. कई बार ऐसा हमें देखने को मिलता है कि जो भी हम सोचते हैं उसके अकॉर्डिंग हम चीजों को कर नहीं पाते हैं. कई बार हमें जो है उस चीजों में बदलाव लाने की आवश्यकता पड़ती है. तो जो स्ट्रेटेजीज होती हैं वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होती हैं. एट द सेम टाइम फ्लेक्सिबल होने के साथ साथ कभी कभी स्ट्रेटेजीज को सही तरीके से इंप्लीमेंट करना, उसको सही डायरेक्शन में लेकर के जाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो इन सब चीजों को करने का काम जो है वो हमारा कंट्रोल सिस्टम का है, ठीक है. लेकिन कंट्रोल सिस्टम जब अपने इस काम को करता है उस दौरान कंट्रोल सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी से फेस करनी पड़ती हैं. उन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में हम एक एक करके इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. सो देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद कंट्रोल सिस्टम फॉर स्ट्रेटेजी इवैल्यूएशन. तो स्ट्रेटेजी इवैल्यूएशन में बहुत सारे नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हैं जो कि कनेक्टेड होते हैं जब भी हम कंट्रोल सिस्टम का यूज करते हैं स्ट्रेटेजी इवैल्यूएशन में. तो कई बार ऐसा होता है कि जो इम्पोर्टेंट डेटा होता है वो मिस आउट हो जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि जो इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होता है, जो जानकारी होती है वो हमारे पास रह जाता है. सो दैट इज नॉट गुड. एंड ये चीजें जो है इसमें करनी होंगी, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. सो देर आर लार्ज नंबर, ये तो मैंने पढ़ लिया. एंड इफिशियंट सिस्टम में कलेक्ट अ लॉट ऑफ इररिलेवेंट डेटा वेयर एज अ सोफिस्टिकेटेड सिस्टम माइट इग्नोर क्रूशियल इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना. तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि एक इफिशियंट सिस्टम, जो जो सिस्टम एक इफिशियंट है, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि वो इररिलेवेंट डेटा को कलेक्ट कर रहा है. जो डेटा हमारे लिए जरूरी नहीं है उसको भी वो लोग जो है इकट्ठा करके अपने पास रख रहा है, विच इज कम्प्लीटली अननेसेसरी. तो वो चीजें लेकिन कंट्रोल सिस्टम में हो जाती है ना. लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है जो मोस्ट सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है वो कई बार जो क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है, ऐसे इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेसेस के लिए, उसको वो लोग स्किप कर जाते हैं, ठीक है. तो इस तरह की चीजें जो है हमें देखने ओके को सर, मिलती हैं. सम ऑफ द टिपिकल प्रॉब्लम्स एनकाउंटर्ड इन डिजाइनिंग एंड मैनेजिंग कंट्रोल सिस्टम्स आर, तो कौन कौन से टिपिकल प्रॉब्लम्स है जो हम लोग को फेस करनी पड़ती हैं व्हाइल प्रोसेसिंग कंट्रोल सिस्टम, तो एक एक करके हम करेंगे. सबसे पहला पॉइंट है, देयर मे नॉट बी अ कंसेंसस ऑन द क्राइटेरिया फॉर मेजरिंग द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ द स्ट्रेटेजी, ठीक है. तो जो भी स्ट्रेटेजी है उसको इवेल्युएशन करने की बात की जा रही थी, तो यहाँ पे ना किसी भी तरह का कोई कंसेंसस नहीं है किस तरीके से आप किसी भी स्ट्रेटेजी के इफेक्टिवनेस को, उसकी एफिशिएंसी को आप इवेल्युएट करोगे, उसके लिए कोई कंसेंसस नहीं है, जिसके कारण से ये जो जो प्रॉब्लम है वो हमें देखने को मिलती है. दूसरा है, द रिपोर्टिंग डेटा मे बी इनवैलिड, जो भी डेटा रिपोर्ट किया जा रहा है वो इनवैलिड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो सिस्टम है वो कई बार इररिलेवेंट डेटा को भी अपने पास रख ले रहा है, और इन्फॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट है उसको वो लोग, जो क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है उसको वो लोग स्किप कर जाते हैं. तो जो डेटा आपके पास आ रहा है ऐसा हो सकता है कि वो जो डेटा है वो इनवैलिड हो, ठीक है ना. इस तरह की भी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है. द परफॉर्मेंस नॉर्म्स मे बी बेस्ड ऑन द आउटपुट्स डीएन विच द रिलेवेंट बिजनेस मे नॉट हैव अ कंट्रोल, ठीक है. ये डीएन आई थिंक यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है आई गेस. द परफॉर्मेंस नॉर्म्स मे बी बेस्ड ऑन द आउटपुट, जो भी परफॉर्मेंस नॉर्म्स हैं आउटपुट्स के विच द रिलेवेंट बिजनेस मे नॉट हैव अ कंट्रोल. तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था. आई डोंट नो आप उस क्लास में थे या नहीं थे, आप तो नहीं थे आकांक्षा, आई डोंट नो आप भी थी या नहीं, दूसरा क्लास था. तो वहाँ पे मैंने एक्चुअली इस बारे में थोड़ा सा हिंट दिया था, जहाँ पे हम लोग आउटपुट के बारे में बात कर रहे थे कि जो भी हम स्ट्रेटेजी करते हैं उसका आउटपुट क्या निकल करके आएगा, उस चीज के बारे में जानकारी जो है आपको नहीं होती है. जब आपको, आपके पास अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगा तो जानकारी भी, और जी आपके पास सर, अगर आउटपुट आपको पता होगा तो आपका जो स्टेट है वो जो है वो क्या कहते हैं, सर्टेन स्टेट में होता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ उसके बिहाफ में मुझे ये आउटपुट मिलने वाला है, ठीक है. बट कई बार ऐसा होता है कि इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है लेकिन आउटपुट जो है वो कुछ और ही निकल करके आता है ड्यू टू सम वेरियस रीजंस जो यहाँ पे बताए जा रहे हैं, कि कुछ टॉपिक्स अगर आपका मिस हो गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आपसे छूट जाता है, क्रूशियल इन्फॉर्मेशन अगर आपसे छूट जाता है, तो आउटपुट जो है यहाँ पे कुछ और हो सकता है. तो वही बात है यहाँ पे कि जो परफॉर्मेंस नॉर्म्स है या फिर जो परफॉर्मेंस के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसमें हमें कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो हमें नहीं मिल पाता, क्योंकि इस कंट्रोल सिस्टम में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ये फॉल्ट है कि यहाँ पे जो है प्रॉपर कंट्रोल नहीं होता है डेटा के ऊपर कि कौन से डेटा को रखना है कौन से डेटा को छोड़ना है, उसके कारण से जो आउटपुट है वो भी गड़बड़ हो जाता है, इधर उधर हो जाता है. फोर्थ पॉइंट है,
Often performance standards may be set with inherent contradictions, है ना। तो ये तो बहुत ही कॉमन सी चीज है, स्ट्रेटेजी में देखने को मिलता है कि जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, यू नो, हाँ जो इनहेरेंट होते हैं, जो बिजनेसेस के अंडर में ही है, अंदर में ही है, वहां पे ही हमें जो है परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड में एक तरह से कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलता है कि कहीं पे अच्छा हो रहा है, कहीं पे बुरा हो रहा है, कहीं पे बहुत तेजी से काम हो रहा है, कहीं पे बहुत स्लो काम हो रहा है। तो ये हमें परफॉर्मेंस जो है हमें देखने को मिलता है, इसमें बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शन हमें देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन इंक्रीज इन मार्केट शेयर मे बी एक्सपेक्टेड इन कंजक्शन विद एन एब्सोल्यूट डिक्रीज इन द मार्केटिंग एक्सपेंडिचर। ठीक है, आपका जो मार्केट शेयर है वो बढ़ रहा है, ठीक है, बी एक्सपेक्टेड इन कंजक्शन विद एन एब्सोल्यूट डिक्रीज इन द मार्केटिंग एक्सपेंडिचर। तो आपका मार्केटिंग ऐसा बहुत कम होता है कि मार्केटिंग एक्सपेंडिचर घटे और आपका मार्केट जो है वो शेयर बढ़े। मार्केट शेयर बढ़ाने का मतलब है कि जो आपका बिजनेस है वो एक्सपैंड कर रहा है। एक्सपेंशन करने के लिए आपको प्रोडक्ट तो बढ़िया बनाना ही है, साथ ही साथ जो मार्केटिंग है उसके ऊपर भी एक्सपेंडिचर करना जरूरी होता है। लेकिन कई बार हमें ऐसा देखने को मिलता है कि आप कोई खर्च मार्केटिंग के ऊपर नहीं कर रहे हो, फिर भी आपका बिजनेस जो है वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है और आपने एक बहुत बड़ा जो है अपना एक बड़ा सा जो है एरिया आपने कैप्चर करके रखा हुआ है, आपने अच्छे तरीके से अपने एक्सपेंशन करा हुआ है। यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है आपका, विदाउट गिविंग एक्स्ट्रा एफर्ट और मच एफर्ट, आपका जो है बिजनेस वो अच्छे तरीके से चल रहा है। तो ये परफॉर्मेंस का कॉन्ट्राडिक्शन हमें देखने को मिलता है। स्ट्रेटेजी कंट्रोल सिस्टम में ये प्रॉब्लम है कि आप ज्यादा एफर्ट नहीं लगा रहे हो, फिर भी आपको आउटपुट बहुत मिल रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि आप एफर्ट बहुत लगाते हो लेकिन आउटपुट नहीं मिल पाता। उसके पीछे जैसा मैंने रीजन बताया था कि इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन आप रख ले रहे हो और जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, क्रूशल इन्फॉर्मेशन है, उसको आप स्किप कर दे रहे हो। उस वजह से ये प्रॉब्लम जो है हमें देखने को मिलती है। एम्प्लॉइज मे कंसिडर द सिस्टम टू बी अनफेयर एंड देयर फॉर मे नॉट एक्सेप्ट इट। सिंपल सी बात है, एम्प्लॉइज अगर इस चीज को कंसिडर नहीं करेंगे तो इसको जो है वो लोग इस चीज को एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। इस सिस्टम को अनफेयर एक तरीके से माना जाता है क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ठीक जो है काम नहीं हो पाता है कंट्रोल सिस्टम में। ठीक है ना, ओवर एम्फेसिस ऑन मेजरिंग शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस मे मेक मैनेजर्स फॉरगॉट अबाउट द स्ट्रेटेजी विच इनहेरेंटली हैज लॉन्ग कॉनोटेशंस। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी में क्या होता है जनरली कि हम जब भी स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो वो लॉन्ग टर्म हमारी होती है, वो 5 महीने, 6 महीने या 1 साल की नहीं होती। हमारा टारगेट जो है वो लॉन्ग टर्म होता है, विजन जो है वो लॉन्ग टर्म होता है। तो स्ट्रेटेजी जो हम बनाएंगे वो भी हमारा लॉन्ग टर्म ही होगा। ऐसा नहीं कि छोटे मोटे अचीवमेंट्स मिल गए तो मैंने अपनी स्ट्रेटेजी जो है बुला दी। और यहाँ पे जो बात बोली जा रही है वो ये है कि आप जो है अगर ओवर इम्फेसिस कीजिएगा शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस के ऊपर, अगर बिजनेस ठीक तरीके से अभी काम नहीं कर पा रहा, इसका मतलब ये नहीं कि वो फ्यूचर में भी ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। अगर नहीं काम कर पा रहा है आप उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा अगर इसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, चीजों को बार बार चेक करने की कोशिश करेंगे कि क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, तो जो काम है वो स्लो हो जाता है। तो आपका जो मेन जो टारगेट है, मेन जो स्ट्रैटेजी आपने बनाई थी जिस चीज को लेकर के, आप उसको भूलने लगते हो। तो वैसा नहीं करना है, छोटे मोटे अगर बिजनेस में अगर अगर प्रॉब्लम्स होती है तो उसको इग्नोर करना है, उसको बेहतर करने की कोशिश करनी है, कीपिंग इन माइंड द लॉन्ग जो आपका स्ट्रैटेजी है उसको उसको ध्यान में रख करके ही आपको जो है सारे काम करने होते हैं। वही बात यहाँ पे बोला गया है, ओवर एम्फेसिस ऑन मेजरिंग शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस मे मेक मैनेजर्स फॉरगेट अबाउट द स्ट्रैटेजी। जो स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाई थी, जिसको उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन करना था, इम्प्लीमेंट करना था, वो भूल जाते हैं जब वो शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस के ऊपर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। तो वो भी एक प्रॉब्लम है कंट्रोल सिस्टम में। डेफिनेटली आपको अगर कंट्रोल करने के लिए कहा जा रहा है किसी को, तो आप अपना 100% देने की कोशिश करोगे। बिजनेसेस में भी वही होता है, लेकिन वो करने के साथ साथ राइट आपको सर, ये भी ध्यान देना है कि जो आपकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है उसको आप ध्यान में रख करके सारे काम को करें। किशन, आप कुछ कह रहे हैं? राइट। नहीं सर, नहीं सर, मैं सुन रहा हूँ सर जी। ओके ओके ओके, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट पॉइंट। आज हमारा क्लास का डे नहीं था, बट चूंकि कल क्लास नहीं हो पाया था तो मैं आज करा रहा हूँ। ये पॉइंट करा के ही आज का मैं कवर खत्म कर दूंगा ये वाला क्लास। अगला पीडीएफ में जल्दी से शेयर करके मैं सोच रहा हूँ कल शाम में क्लास रख लूँ, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। सर आकांक्षा, कल शाम में हो सकता है 8 बजे? टाइमिंग 8 बजे रहेगा? ओके सर, 8 बजे आठ की बजे टाइमिंग सर है। 8 PM, 8 PM, ओके सर, 9 o'clock हो सकता है सर। 9 o'clock इज ऑल्सो, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मेरे एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी सर, आई थिंक 9 o'clock इज सर फाइन, 9 o'clock में रखते हैं, ठीक है? यस नाइन, यस थोड़ा लेट हो सर, जाएगा। 9 o'clock, 9 o'clock ओके रखेंगे? सर। 8:30, हाँ सर,
मैं नहीं मैन ऑफ द एट मैच हो के थर्टी भी टाइम हो पे सकता है। 8:30। आकांक्षा यू आर सेइंग 8:30। किशन आर यू ओके विद इट? ठीक है सिंधु सर, जैसा आपको ठीक लगे, बट यस सर। इट्स पॉसिबल एट 9 o'clock देन विल बी फाइन सर। ठीक है, आधे ओके घंटे सर, थोड़ा ओके आगे कर सर, लेते तो हैं हम किशन। नाइन ओ एट क्लॉक नहीं थर्टी रखते हैं। 8:30 कर लेते हैं, 8:30 कर लेते हैं, 9 बजे तक खत्म हो जाएगा। ओके ओके सर, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके सर, ओके देन। सो ओके सर, लास्ट पॉइंट है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेट गुड ओके सर, एवरेज एंड थैंक यू पुअर टू लेवल्स सर। ऑफ परफॉर्मेंस इन सिचुएशंस वेयर द आउटपुट्स आर नॉट वेरी टेंजिबल। टेंजिबल आपने पढ़ा होगा पहले, टेंजिबल मतलब जो दिखता है। तो जब भी आउटपुट यू नो टेंजिबल नहीं होता, दिख नहीं पाता हमें ठीक तरीके से, यस सर, स्ट्रैटेजी में देखो कुछ भी दिख नहीं रहा है। स्ट्रैटेजी में सारी चीजें जो है हो रही हैं और उसका जो आउटकम है वो फाइनली निकल करके आएगा, लेकिन एकदम टेंजिबल होगा, सारी चीजें आपको दिखेंगी कि ये आउटपुट निकला है, ऐसा जरूरी नहीं है। जो चीज टेंजिबल नहीं होता उसको हम लोग यू नो कैटेगराइज नहीं कर सकते कि वो गुड है, एवरेज है या फिर पुअर है। तो ये भी एक कंट्रोल सिस्टम में प्रॉब्लम है। जब हम चीजों को देख पाते हैं, समझ पाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम चीजों को अच्छा बुरा या एवरेज हम लोग बोल पाते हैं। बट स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट में कंट्रोल सिस्टम में ये देखने को मिलता है कि हम गुड, एवरेज या फिर पुअर हम लोग लेवल दे नहीं सकते परफॉर्मेंस वाले केसेस में। ठीक है, तो ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है। तो अभी तक मैंने टोटल 3 PDF शेयर की हैं, एक MCO 1 का है, एक MCO 22 है और एक MCO 23 है। कल मैं सोच रहा हूँ कि कोई और सब्जेक्ट कराऊं, फर्स्ट या ओके फर्स्ट सर, सेमेस्टर से ही कुछ कराऊंगा कल। ठीक है ना, तो ओके सर, कल हम लोग 8:30 में ज्वाइन करते हैं। और आई होप कि नेटवर्क का कनेक्शन ठीक रहे, यहाँ तो काफी बारिश हो जा रही है, बीच बीच में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जा रही है यहाँ पे। तो लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, मैं PDF यस शेयर कर दूंगा आप दोनों को ग्रुप में। सर, एक क्वेश्चन यस था। यस या प्लीज। एक्सक्यूज मी सर, हाँ कहिए। सर एक क्वेश्चन था। सर पूछना था कि सर जैसे मैंने सर असाइनमेंट प्रिपेयर करना है सर, तो उसके लिए मतलब ऐसा तो नहीं है सर कोई पेन, जैसे कि हम लोग ब्लू पेन से बनाएंगे तो ब्लू ब्लैक दोनों यूज कर सकते हैं असाइनमेंट के लिए। यू कैन यूज ब्लैक एंड ब्लू। आप क्वेश्चन ब्लैक से लिख लीजिए, चलो आंसर ब्लू से लिख लीजिए, ये सही रहेगा। ओके सर, और मतलब यूज करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं सर, मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं, ब्लैक नहीं, में और आंसर ब्लू से। ब्लैक एंड ब्लू वाइडली यूज्ड पेंस हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, उस कलर में कोई दिक्कत ओके नहीं सर, है। रेड ग्रीन इन सब का यूज नहीं करना है, बस ब्लैक एंड ब्लू इज ओके। ओके सर, ओके ओके सर, ओके सर, ठीक है देन, तो कल मिलते हैं। गुड यस नाइट। यस सर, ओके सर, गुड जी सर। नाइट, थैंक यू।